हेलो फ्रेंड, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और चने की सब्जी। ये सब्जी पूड़ी और चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो इससे पहले जो हम भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। तो यहाँ मैंने आलू और चने उबलने के लिए रख दिए हैं। चने को मैंने शाम को फूलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ मैंने मुझे एक सीटी इसमें लगानी है। यहाँ मैंने गैस को कर दिया है तेज़ और चने हमारे आलू उबल कर हो गए हैं तैयार। यहाँ मैं आलू को पहले ठंडा कर ले रही हूँ। तब तक मैं यहाँ पर काट लिए हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ता। इधर आलू ठंडे होने के बाद मैंने इनका छिलका उतार दिया था और इधर मैंने चने को भी कटोरी में निकाल लिया है। चने हमारे हो गए हैं उबल कर सॉफ्ट और यहाँ आलू को हम फोड़ लेंगे मीडियम टुकड़ों में। मुझे करना है इनको। यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया मैंने तेल। इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें जीरा। जीरा हमारा चटकने लगा, इसमें मैंने डाल दिया हींग। हींग हमारी पक चुकी है। इसके बाद हमने डाला है इसमें लहसुन। लहसुन को भी हम सुनहला कर लेंगे गोल्डन। इसके बाद डाल दिया है प्याज, यहाँ पर डाल दी हरी मिर्च। सारी चीज़ों को हम हल्का हल्का पका लेंगे। यहाँ पर डाल दिया है मैंने करी पत्ता, इसको भी मुझे पकाना है। यहाँ पर डाल दिया हमने कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद डाल दिए चने। चने को मुझे अच्छे से इसमें मिलाने हैं जिससे हमारे चने फ्राई हो जाएं तेल और मसालों में। और यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम हल्का हल्का पका लेंगे धीमी आंच पर। बता दिए हमने मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इनको भी हम अच्छे से मिला देंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं। एक बार डाल दिए हमने यहाँ पर आलू। आलू को इसमें हम मिला देंगे जब तक कि हमारे मसालों से अच्छे से खुशबू ना आने लगे पकने की। तो हमने मसालों को मिला दिया है। उसके बाद डाल दिया हमने पानी। यहाँ हमारे सब्जी में खौल आ चुका है, इसको हम ढक देंगे और धीमी आंच में 5 मिनट पकने देंगे। क्योंकि आलू हमारा पहले से ही बॉयल है तो सब्जी हमारी जल्दी बनने वाली है, सब्जी पकने वाली है। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने गरम मसाला, नमक। तो यहाँ हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।